मध्य प्रदेश में आए दिन अस्पतालों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। एमवाई और यूनिक हॉस्पिटल में शवों की दुर्गति के बाद अब इंदौर के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खंडवा के एक बर्तन कारोबारी की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों को कोरोना पीड़ित दूसरे व्यक्ति की लाश सौंप दी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और इलाज की बात करती हो, लेकिन इंदौर शहर में एक के बाद एक लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, जिन्होंने मानवीयता को शर्मसार कर दिया है। पहले जहां प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में नरकंकाल मिले, वहीं इसके बाद निजी अस्पताल यूनिक में बुजुर्ग के शव को चूहों ने कुतर दिया। अब ताजा मामला ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां लंग्स कैंसर पीड़ित गेंदा लाल राठौर की मौत हो जाने के बाद परिजनों को महू के कोरोना पीड़ित मरीज केशव का शव सौंप दिया। मृतक गेंदा लाल राठौर के बेटे नितिन राठौर ने बताया कि उनके पिताजी को लंग्स कैंसर था, वह नॉन कोविड थे और कैंसर के इलाज के लिए ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कोविड सस्पेक्ट बताते हुए आईसीयू में जबरदस्ती भर्ती किया, जहां देर रात तबियत बिगड़ने के बाद गेंदालाल राठौर की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक की बॉडी को पूरा पैक कर दिया और खोलने के लिए मना किया गया। जब अस्पताल प्रबंधन को अपनी लापरवाही का पता चला तो तुरंत परिजनों को फोन लगाया, लेकिन तब तक इंदौर से 80 किलोमीटर दूर सनावद पहुंच चुके थे। अब अस्पताल की इस बड़ी लापरवाही को लेकर परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कोरोना मरीज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। नमस्ते, मेरा नाम नितिन राठौर है। मेरे पिताजी का नाम श्री गेंदालाल राठौर है, उम्र 64 साल। मेरे पिताजी की रात में ही 5 बजे मृत्यु हो गई ग्रेटर कैलाश में। ग्रेटर कैलाश से मुझे जो बॉडी इशू की गई है, तो वो जो है कोई महू का बंदा है, मनीष सैनियल, उनके पिताजी की है, जो कि कोविड बॉडी थी, बॉडी को कोविड था। उसके साथ मुझे और मेरे जिया जी हम लोग बैठ के आए गलती से। ये हम लोग खंडवा के आधे रास्ते, मतलब सनावत पड़वा के बीच में है, और ये लोग क्या है उधर से, वो भी परेशान हो रहे हैं और हम भी परेशान हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो परेशानी की बात हुई कि हम दो लोग थे और दोनों कोविड बॉडी के साथ बैठ के आए, और हमारे पिताजी नॉन कोविड थे, वो उनके पास है। यह वही गाड़ी है जिसमें हम लोग को गलत बॉडी इशू करी गई थी। हम लोग के मतलब मेरे अंकल लगते हैं, मेरे अंकल जो थे वो सिर्फ एक लंग कैंसर पेशेंट थे, उन्हें कोई कोरोना नहीं था। उनकी टेस्ट हमने दो बार करवाई थी, उनकी टेस्ट दोनों बार नेगेटिव आई थी। उन्हें बाद में निमोनिया हुआ था, बट किसी कारण से उनका देहांत हो गया कल रात को। जो हॉस्पिटल ने हमको बॉडी इशू कराई गई है, वो बॉडी किसी और की है, और वो बॉडी जो है वो कोरोना पॉजिटिव थी। अब हम लोग को क्यों, हम लोग को बताया गया था कि वो बॉडी जो है वो कोरोना नेगेटिव है, क्योंकि वो हम लोग के अंकल की बॉडी थी। बट हम लोग को जब हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ते, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग हमारे घर के पास में 90 किलोमीटर्स आगे आ गए थे, तब हम लोग को बताया गया है कि हम लोग को वहाँ से पता चलता है अथॉरिटी से कि आपको जो है किसी और की बॉडी इशू करी गई। तो मैं बस आप लोगों से एक ये निवेदन चाहता हूँ कि ये जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है इंदौर के हॉस्पिटल्स में, स्पेशली द ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल इंदौर, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हॉस्पिटल्स हैव वी बीन टू। एंड आई जस्ट वांट यू ऑल टू नो दैट दिस इज थिंग्स दैट इज हैपनिंग बिहाइंड आवर बैक्स। एंड हमें तो पता भी नहीं है कि उन्होंने रात को क्या ट्रीटमेंट किया, बिकॉज मेरे जो अंकल थे वो एक कोरोना नेगेटिव पेशेंट थे, फिर भी उन्हें कोरोना वार्ड में रखा गया। हम लोग पे प्रेशर बनाया गया कि हम लोग को जो है वहाँ पर उन्हें रखना पड़ेगा ताकि उन संक्रमण ना फैले। ये जो है ये इस एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, ये इस बात को श्योर भी कर सकते हैं कि इनके अंदर जो बॉडी हमें दी गई है वो कोरोना पॉजिटिव है। आप बताइए कि अंदर जो बॉडी है वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं? अंदर का तो मेरे को मैं कैसे बता सकता हूँ, हम लोग को गलत बॉडी इशू करी गई है, आप ये तो मानते हैं? हाँ, गलत दी है और वो बॉडी लेके आ रहे हैं दूसरी, और ये दूसरी गाड़ी है, उसको वापस ले जाना और उसको खंडवा भेजेंगे। हम लोग की बॉडी जो है किसी और के पास पहुंच गई है, वो जो रेसिडेंट है वो महू के हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि ये जो है हम लोग को आपको आपकी बॉडी हमारे पास आ गई, हमारी बॉडी आपके पास आ गई है। तो सर, आप लोग, आप सभी से मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इतना ट्रस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स पे कि उन लोग के पास में सारा मैनेजमेंट है। कोरोना काल में जहां लोग अस्पताल को मंदिर और डॉक्टर को भगवान मान रहे हैं, वहीं कुछ अस्पतालों से मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जहां सरकारी अस्पतालों के साथ अब निजी अस्पताल में मरीजों की जान से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि दोषियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन लेता है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।